म किसान आंदोलन किसान जब आंदोलन चल रहा था यही काम किसान बिल्कुल लेके भी किए थे आप तो खूब घूमे हो टिकरी बार्डर, पे भी बार्डर पे भी पर भी गए हो सिंधु बॉर्डर पे भी गए हो आप गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए हो आप टोलो पे भी गए हो वहाँ भी तो इसी प्रकार की कोशिश की थी बीजेपी ने बताने की ये फायदे के हैं किसानों के फायदे के हैं किसानों के फायदे में था ही नहीं ये सारा देश समझ गया अब मेरी समझ में नहीं आती कि किस प्रकार से भारतीय तो जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बैठी है जो ट्रिपल इंजनी सरकार भी कह रहे हैं प्रदेश में भी गठबंधन सरकार है वो ये कह रहे थे जब जी आई व्यापारियों को नहीं पता नोटबंदी आई अच्छा। अर्थशास्त्रियों को नहीं पता किसान बिला है किसानों को नहीं पता अग्नि है युवाओं को नहीं पता क्या इन्हीं को पता ये तो एक तरीका है हिंदुस्तान को समझो देने का और ये साजिश चल रही है के एमपी तो किसान किसान बिलों की भी बड़ी रक्षा करते थे किसान बिलों के बारे में बोला करते बहुत फायदे के बहुत फायदे जब प्रधानमंत्री जी ने उल्टे ले लिया बोलती बंद होगी इसी प्रकार अग्निवीर है अग्निवीर को इन्होंने ये कह दिया बहुत अच्छा है बहुत अच्छा अच्छा किस प्रकार से देहात को समझाओ समझाओ किसको समझाओगे आप सेना को कमजोर करने की राम के के राम जी सारे दर्शक ने मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल इस समय भाई जुलाना के पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह डोला अपने साथ है पहले अपने चैनल में स्वागत करा राम राम जी ठीक हो बिल्कुल बढ़िया बात करेंगे सरकार बोल रही है वापसी नहीं लिया जाएगा अग्निपथ क्या लगता है ये इसका अगर भूमिका आप लंबी देखोगे तो जो 2013 के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे मोदी जी रिवाड़ी के अंदर एक पूर्व सैनिक रैली की थी उन्होंने कहा था वन रैंक वन पेंशन तो अग्निपथ योजना से आज वन रैंक वन पेंशन का तो मामला खत्म ही कर दिया अब तो नो रैंक नो पेंशन होगी और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं घुमा करके जो किसान आंदोलन हुआ था और किसानों आंदोलन के चलते जो पूरे देश के किसान लामबंद हुए थे उसके चलते कहीं न कहीं ये किसान देहात के प्रति एक दुर्भावना से किया गया कार्य है जो भारत को भी कमज़ोर कर रहा है और भारतीय सेना को भी कमज़ोर कर रहा है और देहात का बच्चा क्योंकि हमारे देहात के अंदर पुलिस की फौज की नौकरी को सर्वप्रिय मानते थे तो उस पर भी अंकुश लगा है सीधी बात तो ये है और इस बात का मैं नहीं आंकड़े भी कहते इस बात को अगर आप ये देखें कि हरियाणा पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश चार मुख्य राज्य हैं हमारे आसपास के जिनकी ज़्यादा सेना में भर्ती होती थी अगर 2019 के आंकड़े देखें 19-20 के तो पंजाब से लगभग सात हजार आठ सौ तेरह भर्ती हुए थे जबकि जनसंख्या में प्रतिशत उनका केवल दो पॉइंट तीन है हरियाणा से हुए थे पाँच हजार सतानवे जबकि हमारा जनसंख्या प्रदेश दो हजार दो दो पॉइंट एक है राजस्थान से हुए थे छः हजार आठ सौ सतासी जबकि उनके जनसंख्या प्रदेश सात पॉइंट एक है तो मेरा ये कहना है कि जब पंजाब सात पॉइंट नौ प्रतिशत हमें फ़ौजी दे सकता था हरियाणा पाँच पॉइंट नौ परसेंट राजस्थान सात पॉइंट एक परसेंट इसी प्रकार से हिमाचल उत्तराखंड के अंदर जो भर्ती हुई थी अगर आप पूरा आंकड़ा देखें तो ये जो अग्निपथ योजना से पहले जो बढ़ती हुई थी पंजाब के बच्चे भर्ती हुए थे सात हजार आठ सौ तेरह और अग्निपथ के बाद वहाँ का कोटा आ गया एक हजार चौवन का हरियाणा का पाँच हजार सत्तानवे थे अब हरियाणा कोटा आ गया नौ सौ तिरसठ का राजस्थान का में भर्ती हुए थे छः हजार आठ सौ सतासी छः हजार आठ सौ नब्बे लगा लो तो अब कोटा आ गया छब्बीस का हिमाचल के अंदर पाँच हजार आठ सौ बयासी भर्ती हुए थे अब कोटा आ गया दो का और उत्तराखंड के अंदर चार हजार तीन सौ छियासठ हुए थे अब कोटा आ गया तीन सौ तिरासी का तो ये अग्निपथ के बाद जो इतनी कट हुई है जो हमारे देहात का जो युवा ललायत रहता था फौज के एक फौजी गांव में आया उसके स्वागत के लिए दस आदमी दस बच्चे और भागते थे तो कहीं ना कहीं देहात के प्रति भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण है और भारतीय सेनाओं को भी कमज़ोर करने का दृष्टिकोण अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर जो बारह तेरह लाख की फौज थी वो तीन चार लाख की रह जाएगी तो देश को कमजोर करने की साजिश है और जिस प्रकार से आज ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं वचन देता हूँ कि सभी जो अग्निपथवीरों को मैं आकर नौकरी दूंगा तो ये हमारे जो पचास पचपन हजार जो हर साल रिटायर हो रहे हैं उनका केवल दो परसेंट हिस्सा क्यों आ रहा है री इम्प्लायमेंट में उनको भी तो री इम्प्लायमेंट मिलनी चाहिए आपके डिपार्टमेंट खुले हैं वो भी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं जबकि अड़तीस साल चालीस साल के आसपास आ रहे हैं छत्तीस साल अड़तीस साल चालीस साल के आस पास आ रहे हैं फुल ट्रेंड है उनको ही आप भर्ती नहीं कर पा रहे तो इनको कैसे भर्ती करोगे और मान लीजिए हरियाणा नोट कोटा केवल नौ का हो गया तो नौ में सारा हरियाणा निपट गया भर्ती के लिए तो ये अग्निपथ योजना ये ना देश के लिए इतमे है ना सेनाओं के इतमे है ये तो एक देश की सुरक्षा से है मेरा ये मानना है निजी आकलन है जो हमने जो सारा प्रारूप देखा है उसका भला कहीं होने वाला नहीं इसको तो वापस लेना चाहिए बीजेपी के एमपी बोल रहे हैं हम किसी को धक्के से ज्वाइन थोड़ी करवा रहे हैं बीजेपी के एमपी तो किसान किसान के बिलों की भी बड़ी रक्षा करते थे किसान बिलों के बारे में बोला करते बहुत फायदे के बहुत फायदे जब प्रधानमंत्री जी ने उल्टे ले लिया बोलती बंद होगी इसी प्रकार अग्निवीर है कि अग्निवीर को इन्होंने ये कह दिया बहुत अच्छा है बहुत अच्छा अच्छा किस प्रकार से देहात को समझाओ पूर्व को समझाओ किसको समझाओगे आप सेना को कमजोर करने की साजिश अब आपके सामने रहेगा हरियाणा का कोटा जो केवल हरियाणा में नौ सौ तिरसठ भर्ती होंगी तो अगर हरियाणा हरियाणा के युवाओं के प्रति न्याय है मैं आपसे पूछता हूँ क्या न्याय है हरियाणा के प्रति जब हमारे छः सात हजार फौजी हर साल भर्ती होते हैं केवल नौ सौ जाएंगे तो हरियाणा के प्रति न्याय थोड़ा है ये न्याय नहीं है ये एक सामाजिक न्याय भी नहीं है न्याय भी नहीं है और यह महरूम करने की एक देशभक्ति भावना से खिलवाड़ करने की और चार साल के बाद उनको चलने के लिए छोड़ दिया जाएगा ये तो प्राइवेट हाथों में खेलने के लिए एक साजिश है कि प्राइवेट हाथों में खेलने के लिए ट्रेंड एक आर्मी उनको दे दी जाए और वो इस देश को खोखला करेंगे मेरा ये मानना है चार साल बाद बोल रहे हैं उनको हम कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया था कल ही उन्होंने बोला था चार साल के बाद मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा तो सिक्योरिटी गार्ड में मैं यही तो इनकी मानसिकता सामने आ गई कि, कि केवल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आ तो यही मानसिकता और किस प्रकार आएगी कलाश वर्गीय कैलाश विजय वर्गीय जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे इसी प्रकार जो फिक्की के जो हमारे चेयरमैन उन्होंने कहा कि हम तो बड़े खुश हैं जी हम तो इनको सारों को नौकरी देंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए पैदा कर रहे हैं आपकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हिंदुस्तान सरकार ने दो के बाद चलाया था जिस करोड़ों रूपए खर्च कर दिए गए आज भी हरियाणा के विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी बनी है जो स्किल डेवलपमेंट की है इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहे आर्मी को केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप आर्मी आर्मी का आर्मी... सेनाओ सेनाओ का सेनाओं को सेना जो एक तरीका है उसको छोड़ करके उसको केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए आप प्रयोग करना चाह रहे हैं ये घातक प्रयोग है अभी राजन राजनाथ गृह मंत्री जी ने बोला है मतलब गांव में जाओ समझाओ अग्निवीर की भर्ती है जो वो अच्छी है जगह जगह जनसभा यही काम किसान आंदोलन किसान जब आंदोलन चल रहा था यही काम किसान बिल को लेके भी किए थे आप तो खूब घूमे हो टिकरी बॉर्डर पे भी गए हो सिंधु बॉर्डर पे भी गए हो आप गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए हो आप टोलो पे भी गए हो वहाँ भी तो इसी प्रकार की कोशिश की थी बीजेपी ने बताने की ये फायदे के हैं किसानों के फायदे के हैं किसानों के फायदे में था ही नहीं ये सारा देश समझ गया अब मेरी समझ में नहीं आती कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बैठी है जो ट्रिपल इंजनी सरकार भी करे हैं प्रदेश में भी गठबंधन सरकार है वो ये कह रहे थे जब जी आई व्यापारियों को नहीं पता नोटबंदी आई अर्थशास्त्रियों को नहीं पता किसान बिलाए किसानों को नहीं पता अग्निविराय युवाओं को नहीं पता क्या इन्हीं को पता है ये तो एक तरीका है हिंदुस्तान को कमजोर करने का और ये साजिश चल रही है हम इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध क्योंकि हम गांधी जी के देश में हैं तो हमारा प्रजातांत्रिक तरीके से एक अहिंसात्मक हिंसा नहीं होनी चाहिए तो आगजनी नहीं होनी चाहिए हम डट के विरोध करें शांतिपूर्ण तरीके से तो निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर माहौल बनेगा इस योजना को वापिस लेने का दबाव बनाया जाए बहत्तर से ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या कर लिया इस योजना के विरोध में और दो युवाओं को गोली लगकर उनकी मौत हो गई है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो युवा युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ हताश ना हो केवल केवल प्रजातांत्रिक तरीके से आपकी लड़ाई लड़े समाज आपके साथ है पूरा देहात आपके साथ है और हम जितना भी जित, जितनी भी जिसकी कोशिश रहेगी कि इस योजना के लिए आपके साथ खड़े होकर के सरकार को कहा जाए कि इसको वापिस ले ये देश हित में नहीं है इस प्रकार की और आप हिंसा का त्याग करके एक प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे अधिकार है प्रजातंत्र तरीके से विरोध करने का उस उस प्रजातंत्र तरीके विरोध करके हम सरकार पर दबाव बनाएं और सरकार से ही मेरी विनम्र प्रार्थना है मोदी जी से भी सभी, सभी से कि इस योजना को वापस ले करके और पूरा व्यापक रूप से इसकी स्टडी की जाए क्या कारण है अग्निवीर जाने से पहले आपने जो पार्लियामेंट की रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी उसके सामने आपने प्रारोपीन रखा जिसमें हर पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं ये मान जाता है कि पार्लियामेंट हमारी बड़ी पंचायत है तो उसके अंदर आपने रखना चाहिए था वहां नहीं खानन फाननन में जिस प्रकार नोटबंदी आई जीएसटी आई ये किसान बिल आई इसी प्रकार ये आया विचार तो किसी से किया ही नहीं ये तो केवल और केवल आपकी एक व्यक्तिगत सोच को आपने थोपड़े की कोशिश की इसका हम विरोध करते हैं धन्यवाद थैंक यू तो भाई देख दे आगे तक वीडियो शेयर कर दे धन्यवाद भाई